भूल भुलैया 3 में तुमने पार्ट 1 का ये पलंग उठाने वाला सीन तो देखा होगा, और साथ ही में सब ये भी जानते हैं एक फेमस कमरे के फेमस ताला लगे हुए दरवाजे के पीछे मंजुलिका का फेमस भूत वाला कॉन्सेप्ट भी अनीस बाजमी ने अपने दोनों पार्ट में वैसा का वैसा कॉपी पेस्ट किया है। लेकिन इनके साथ मूवी में और भी कई सीन हैं जो डायरेक्टर ने एज इट इज पार्ट 3 में कॉपी पेस्ट किए हैं, या फिर तुम उन्हें ट्रिब्यूट भी बोल सकते हो अगर तुम इन फिल्मों के फैन हो तो। लेकिन मजे की बात तो ये है कि इनमें से ज्यादातर सीन कहानी में फिट ही नहीं बैठते, बस नॉस्टैल्जिया फील करवा के बॉक्स ऑफिस बढ़ाने के चक्कर में डायरेक्टर ने इन्हें जबरदस्ती फिल्म में घुसेड़ा है। और ऐसे ही पार्ट 3 के कुछ सीन्स की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जो कि पार्ट 1 से लिए गए हैं। वैसे यार ये वीडियो बनाने के लिए इन दोनों फिल्मों को मुझे वापिस देखना पड़ा, और भूल भुलैया का तो फिर भी ठीक है, लेकिन इस फिल्म को वापिस देखते वक्त जो तुम्हारा भाई टॉर्चर हुआ है कि देखने के बाद मेरी बस यही फीलिंग थी, मारो मुझे मारो। खैर अब क्या करे, गंदा है पर धंधा है। वैसे पार्ट 1 को देखते वक्त मुझे एक और डिटेल नोटिस हुए। आई नो मैं पहले इस पर 2 बार ज्ञान पेल चुका हूँ, लेकिन क्या करे ये फिल्म है ही ऐसी। वैसे डिटेल से मुझे याद आया कि एक मिस्टेक भी मुझे पार्ट 3 में दिखी है जो इतनी ऑब्वियस है कि मेकर्स का इस पर ध्यान क्यों नहीं गया। मैं बस 1 घंटे तक यही सोचता रहा और फिर मुझे उसका जवाब भी मिल गया। दोनों चीजें तुम्हें वीडियो में आगे पता चलेगी। तो फिर चलो इन सीन्स की भूल भुलैया स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, तो सबसे पहले महल से ही स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में जिस तरह से सिद्धार्थ अपने आने से पहले महल को रिनोवेट करता है और उसके आते ही सारे वापस महल रहने आते हैं, वैसे ही पार्ट 3 में भी सेम सीन को रिक्रिएट किया गया है। रुहान के आते ही सभी महल में वापस रहने आती हैं और पैसे ना होकर भी पता नहीं कैसे इतने बड़े महल का रिनोवेशन स्टार्ट करते हैं। नंबर 2, रुहान का राज्याभिषेक भी ओरिजिनल नहीं है, बल्कि उसे भी सिद्धार्थ के महल में आते ही किए राज्याभिषेक से पूरा कॉपी पेस्ट किया गया है। और आई नो की फैंस को ये बात हजम नहीं होगी, बट डोंट वरी, अपने पास हाजमोला है। एक्चुअली में देखोगे तो जिस तरह से सिद्धार्थ के राज्याभिषेक का मूवी में एक कारण दिया गया है, वैसे रुहान को राजकुमार के कपड़े पहनाने का कोई रीजन नहीं था। अगर लॉजिकली देखोगे तो उन्होंने उसका राज्याभिषेक भी नहीं किया। हाँ वो राजकुमार का पुनर्जन्म है, लेकिन ये बात तो सब लोग पहले से ही जान चुके थे, तो 5 मिनट के लिए कपड़े क्यों पहनाए? और अगर कपड़े पहना ही रहे हो तो पूरे फिल्म में पहनाते, तो ऐसा क्यों किया? मैं बताता हूँ, सिर्फ पार्ट 1 के सीन को रिक्रिएट करने के लिए। नंबर 3, पता है ऊपर के दोनों सीन को तुम फिर भी मूवी के कहानी से जबरदस्ती जोड़ लोगे, लेकिन ये शॉट जहाँ मलिका रुहान को खिड़की से देख रही है, इसका कोई सेंस नहीं बनता। ओके सॉरी, जोश में मैं तुम्हें ये बताना भूल गया कि ये पार्ट 1 के इस सीन का कॉपी है जहाँ मंजुलिका के भेस में अवनी शरद को छुपकर देखती है। और मैं तुम्हें ये भी याद दिला दूं कि वहाँ पर वो सीन बहुत इम्पोर्टेंट था, ये दिखाने के लिए कि अवनी शरद को अपना प्रेमी मान चुकी है। साथ ही में एक मिस्ट्री भी क्रिएट की जा रही थी, लेकिन पार्ट 3 में इसका सेंस इसलिए नहीं बनता क्योंकि मलिका को पता ही नहीं है कि वो मंजुलिका है या फिर रुहान उसका भाई है। और मान लो अगर वो मलिका है जो रेनोवेशन करने आई है, तो सवाल अब ये है कि वो इतनी खूंखार शक्ल लेकर रुहान की खिड़की के पास क्या कर रही है। अगेन मैं ही बताता हूँ, क्योंकि डायरेक्टर को इस शॉट को भी रिक्रिएट करना था। वैसे ऐसा एक और सीन है जो कि पार्ट 1 में अक्षय और विद्या ने बहुत आइकॉनिक बनाया था, और सिर्फ इसीलिए उसे पार्ट 3 में रिक्रिएट किया गया, पर वो भी स्टोरी में फिट नहीं बैठता। खैर उसे हम वीडियो में आगे जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले चलो वो हिडन डिटेल जान लेते हैं जिसकी मैंने वीडियो की शुरुआत में बात की थी। तो ये फेमस डांस तो हम सब ने देखा है, और अपनी हिडन डिटेल्स वाली वीडियो में मैंने तुम्हें बोला था कि कैसे ये सब कुछ अवनी ही इमेजिन कर रही थी। लेकिन जब भूल भुलैया को दोबारा देखा तो मैंने नोटिस किया कि शशिधर एक राज गायक था, यानी कि उसे नाचना नहीं आता था और ना ही वो मंजुलिका जैसा प्रोफेशनल डांसर था। यानी कि मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि विभूति नारायण के रियल पास्ट में मामला कुछ ऐसा होगा कि शशिधर सिर्फ गाता होगा और मंजुलिका नाचती होगी, और उनको एक दूसरे से प्यार हो गया होगा। और जानकी की सुनाई कहानी में भी अकेली मंजुलिका ही नाच रही थी, यानी तुम समझ रहे हो शशिधर का नाचना अवनी ने खुद ही इमेजिन किया था। और ये इमेजिनेशन अलग इसीलिए है क्योंकि बाकी सब अवनी ने जैसा उसने कहानी में सुना था वैसे ही इमेजिन किया था, सिवाय शशिधर के इस डांस के। नंबर 5, अब जब डांस की बात चली ही है तो हम अवनी की रात को मंजुलिका बनकर महल में गाने गाते हुए नाचने को कैसे भूल सकते हैं, जो कि फिल्म की USB थी। उसी सीन को पार्ट 3 में भी रिक्रिएट किया गया है, लेकिन यहाँ महल में रात को सेम गाना गाते हुए राजकुमार देवेंद्र नाथ नाचता है।
भले ही क्लाइमैक्स का कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन ये सीन मेरे को कहानी के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट लगा, क्योंकि एक राजकुमार होने की वजह से देवेंद्रनाथ दिन में लड़कियों की तरह या फिर अपनी बहनों की तरह नाच गा नहीं सकता था, तो ये सब वो रात को करता था। अगर ऐसे ही हर रिक्रिएट किया गया सीन मूवी की स्टोरी में फिट होता तो कितना मजा आता। नंबर 6, अब ये एक मिस्टेक है। वैसे तो सारी मूवी ही मिस्टेक है, लेकिन वो एक अलग मुद्दा है। इस मिस्टेक को यहाँ मैंने इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि ये पिछले सीन से जुड़ा हुआ है, और इसको जानकर एक तरह से मैं हैरान हूँ कि ये मेकर्स को नोटिस कैसे नहीं हुआ। दरअसल क्या है कि राजकुमार देवेंद्रनाथ रात में महल में नाचता गाता था। अब नाचने तक तो ठीक है, लेकिन उसने गाना कैसे गाया? नहीं मतलब भले ही वो मन से औरत है, लेकिन तन से गला तो मर्द का है ना भाई, तो वो लड़की के आवाज में कैसे गाना गा रहा था? और जिन्होंने भी मूवी देखी है उन्हें याद होगा कि स्टार्टिंग में राजा और सब लोग वहां आने के बाद भी वो गा रहा था, और वो भी लड़की की आवाज में। मतलब ये कैसे हुआ? और यहाँ तक भी मैं झेल लेता कि उसने बचपन से लड़कियों की आवाज में प्रैक्टिस की होगी और उसका गला चमत्कार से ही लड़की जैसा बन गया होगा। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, लेकिन अगर तुम क्लाइमैक्स का सीन देखोगे जहाँ पर उसका भोला भाला था सीधा सादा था मैं तो नादान था, ये वाला गाना भाई आदमी की आवाज में है, सोनू निगम ने आवाज दी है उसको, तो फिर ये कैसे हुआ? मतलब एक गला और दो आवाज, ये कैसे हो सकता है? मैं बताता हूँ। दरअसल क्या है कि मूवी में मंजुलिका एक लड़की है, इसको लेकर मिस्ट्री बनाने के चक्कर में वो ये आवाज वाला लॉजिक भूल गए। नंबर 7, अब ये सब तुमने भी नोटिस किया होगा कि दुर्गाष्टमी के दिन मंजुलिका का अंत राजा को मंजुलिका का मारना और फिर पूजा के थ्रू उसे कमरे में कैद करना सब कुछ पार्ट 1 से ही कॉपी किया गया है, और हम इसे ट्रिब्यूट भी नहीं कह सकते क्योंकि इसका कहानी से कुछ खास कनेक्शन भी नहीं है। पार्ट 1 में दुर्गाष्टमी का अपना एक इम्पोर्टेंस था। अगर तुमने पार्ट 1 देखा है तो तुम ये अच्छी तरह से जानते हो कि दुर्गाष्टमी पार्ट 1 में इतनी इम्पोर्टेंट क्यों थी, लेकिन सिर्फ इस सीन को रिक्रिएट करने के चक्कर में पार्ट 3 में मेकर्स ने यहाँ ये रीजन दिया कि ऐसी भविष्यवाणी की गई है कि मंजुलिका को उसका वंशज दुर्गाष्टमी के दिन ही मारेगा, लेकिन ऐसा क्यों ये नहीं पता। नंबर 8, अब जिस आइकॉनिक सीन की मैं वीडियो के शुरुआत में बात कर रहा था वो है ये वाला सीन जहाँ पार्ट 1 में आदित्य पहले उस कमरे का दरवाजा बंद करता है और बाद में उसके और मंजुलिका के बीच बातचीत शुरू होती है, और ये सीन बहुत आइकॉनिक है और डरावना भी, क्योंकि तब तक हमें पता ही नहीं था कि मंजुलिका कौन है और वो भूत है भी या फिर नहीं है। लेकिन इस सीन को पार्ट 3 में रिक्रिएट किया गया है जहाँ पर रूहान मलिका को मंजुलिका बनने को कहता है। एक टाइम के लिए ऑडियंस के साथ रूहान को भी लगने लगता है कि वो सच में मंजुलिका है, और मैं बता रहा हूँ वाकई में ये सीन पार्ट 1 की तरह आइकॉनिक भी बन जाता अगर आगे चल के हमें ये पता चलता कि मंजुलिका ही मंजुलिका है, मलिका ही मंजुलिका है। लेकिन अब तुम जरा सोच के देखो कि वो मंजुलिका नहीं है, उसे अपने पिछले जन्म के बारे में थोड़ा सा भी पता नहीं है, और वहीं पर तब तक देवेंद्रनाथ का भूत भी बाहर नहीं आया है जो कि आगे चल के इन दोनों बहनों को कंट्रोल करके ये सब करवाता है। तो जब ये सब कुछ नहीं है तो मलिका ने ये कैसे किया और क्यों किया? अब चलो ये मान लेती है कि उसे मंजुलिका वाला जन्म थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा याद आ गया होगा, तो भी वो पास्ट में जब मंजुलिका थी तब भी वो ऐसी नहीं थी। हाँ, पास्ट की कहानी से ये तो पता चलता है कि मंजुलिका काफी डेंजरस रही होगी, लेकिन भाई वो थी तो इंसान ही ना, वो भूत नहीं थी। और सिर्फ इसीलिए इस सीन का कोई मतलब नहीं बनता, ये बस पार्ट 1 से ऐसे ही कॉपी पेस्ट किया गया है। अब कंक्लूजन की तरफ बढ़ने से पहले मैं भूल भुलैया पार्ट 3 में हॉरर पर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मूवी देखकर साफ पता चलता है कि अनीस बाजमी ने हॉरर दिखाने की हार्ड कोशिश की है, इसलिए उन्होंने पार्ट 1 की तरह महल में आती है अजीब चीजें होने वाले मिस्ट्री को क्रिएट किया, और वहीं पर विद्या बालन की स्टार्ट में ही एंट्री दिखा दी ताकि वो अवनी की तरह ही यहाँ पर भी मलिका के कैरेक्टर के थ्रू मिस्ट्री क्रिएट करके हॉरर दिखा सके, जो कि अच्छी चीज थी। मतलब कि आइडिया तो अच्छा था, लेकिन तब तक ही जब तक कि वो मिस्ट्री के चक्कर में अपनी कहानी को ही भूल ना गए हो, यानी कि उन्होंने मिस्ट्री के चक्कर में अपनी कहानी को ही साइड में रख दिया। और पार्ट 3 में हॉरर फील ना होने का दूसरा रीजन ये भी है कि यहाँ पर हमें विजिबल भूत दिखाया गया है, यानी कि हमें भूत दिखता है जिसकी वजह से हॉरर क्रिएट ही नहीं होता। चलो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, तुम अगर मलिका और रूहान का ये वाला सीन देखोगे तो तुम्हें इतना डर नहीं लगेगा, लेकिन अगर इसी सीन को आग बंद करके सिर्फ सुनोगे
तो तुम्हें डर लगेगा और वो भी उतना ही डर लगेगा जितना कि हमें पार्ट वन में लगता है। तो हाँ, ये टेक्निक घोस्ट को लेकर डर दिखाने में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इनविजिबल भूत विजिबल भूत से ज्यादा डराते हैं, और अगर पार्ट थ्री में भी डायरेक्टर भूत को ना दिखाकर बस उसके डर को दिखा दे तो हॉरर क्रिएट हो जाता। देखो, पर्सनली मैं ऐसा मानता हूँ कि भूत को ना देखने की वजह से हमारा दिमाग उसका सबसे भयानक रूप खुद ही इमेजिन करने लगता है और खुद ही डरने लगता है। अब मे भी ऐसा हो सकता है या फिर ना हो, क्योंकि यार मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, लेकिन जो मुझे फील हो रहा है या फिर जो मुझे लगता है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो ये थे वो सीन जो पार्ट वन से डायरेक्टर ने डायरेक्ट उठाकर पार्ट थ्री में बिना सोचे समझे या फिर जबरदस्ती डाल दिए। पता है क्या, सच कहो तो इनकी गलती भी नहीं है। भूल भुलैया है ही इतनी कमाल की फिल्म। अब कुछ लोग बोलेंगे कि रीमेक ही तो है, अबे ओरिजिनल फिल्म के बाकी रीमेक जाके देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि भूल भुलैया को बार बार इतना मास्टरपीस क्यों कहा जाता है। और यार इसीलिए मेरी ये विच है कि अगर प्रियदर्शन सर सुन रहे हैं नहीं तो प्लीज भूल भुलैया पार्ट टू बनाओ। नहीं, इस बवासीर को दिमाग में मत लाओ प्लीज, पहले मेरी पूरी बात सुन लो। अगर तुम किसी गुफा में नहीं रहते तो तुमने वो न्यूज तो सुनी होगी कि प्रियदर्शन अक्षय कुमार के साथ भूत बंगला बना रहे हैं। अब मेरे हिसाब से इससे अच्छा होता कि वो भूल भुलैया का पार्ट टू लेकर आते, इसमें आदित्य की ही कहानी आगे जाती। नहीं, अक्षय कुमार को 40 साल का यंग लड़का जबरदस्ती दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि रियलिटी दिखाओ कि वो अब 55 का हो चुका है, उसके बाल सफेद हो चुके हैं और कमर झुकने लगी है। लेकिन मंजुलिका के जैसा ये कॉम्प्लिकेट केस उसके पास आएगा जिसको कोई और ठीक नहीं कर पा रहा है, और तब आदित्य को वापिस आना पड़ेगा। और प्लीज पार्ट वन से कुछ भी कॉपी ना करते हुए जेन्युइन कहानी लिखो। और यार ये मत कहना कि वैसी कहानी वापिस नहीं लिखी जा सकती, ट्रस्ट मी, इंडिया में टैलेंटेड राइटर भरे पड़े हैं, आप उन्हें मौका तो दो। हम तो बाहर हैं, फिर भी हम ये जानते हैं। तो सोचो अक्षय और प्रियदर्शन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर है, उन्हें कितने टैलेंटेड राइटर के बारे में पता होगा। तो बस उनमें से एक दो को ढूंढो और एक तगड़ी स्क्रिप्ट तैयार करो। अब यार भूत बंगला की जगह ये फिल्म बनाने के दो फायदे हैं। पहला तो इसकी हाइप आसमान पे जाएगी, जो कि अब भी है। अगर ये इसके बारे में थोड़ा सा टीज भी कर देंगे तो इंटरनेट पर आग लग जाएगी। और दूसरा, तुम सब जानते हो कि हॉरर कॉमेडी ट्रेंड में है, तो जिसने ये ट्रेंड शुरू किया है उस फिल्म का एक्चुअल सीक्वल आएगा, वो भी अक्षय कुमार की वापसी प्रियदर्शन के साथ और पार्ट वन से भी तगड़ी स्क्रिप्ट के साथ। तो सोचो बॉक्स ऑफिस का क्या होगा। तो अगर प्रियदर्शन जी सुन रहे हैं तो मेरी इस बात पर सोचना, और अगर तुम लोग ऐसा चाहते हो तो इस वीडियो को दबा के शेयर करो, इतना ज्यादा शेयर करो कि ये डायरेक्टर प्रियदर्शन को या फिर अक्षय कुमार को पता चल सके। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।